अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सारी की सारी बांसें आ चुकी हैं जो कि यहाँ पर भी लगनी है और जहाँ जहाँ लगेंगे वो तुराब आपको बताएगा। मुझे इतना नहीं पता इसको कहाँ कहाँ लगानी, क्योंकि तुराब सारा कुछ सोच समझ के मतलब उसका है सारा, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तुराब ने कहा बांस का काम होगा और वो खूबसूरत भी लगता है, तो इसलिए यहाँ पर देखा यहाँ पर बांसें और भाई ने वहाँ पर भी काटी हैं कुछ, तो देखते हैं भाई किस तरह का हमारे मरीजों की लुक आती है उसके बाद बांस लगने के बाद। काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजिंग करनी है यहाँ पर, उसके लिए भाई ये सामान आ चुका है। कैसे हैं आप सब? ठीक है यार, अल्हम्दुलिल्लाह बादल आ चुके हैं। आज के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी भी पसीना आ रहा है लेकिन धूप कम हो गई है। और यहाँ पर मैं अभी देख रहा था यार, हमारे नेबर ने ना सब्जियाँ उगाई हुई हैं, ये देखें। मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल करता है लेकिन मैं पौधे लगाने में कामयाब नहीं होता। और यहाँ पर देखें, मेरे ख्याल में ये कद्दू है और वो भिंडी है और बाकी का मुझे नहीं पता, धनिया वगैरह भी उगा हुआ है। सिफ्तान को मैंने बोला है कि भाई ये जो हमारी मिट्टी नहीं गिरी हुई, इधर एक क्यारी बनाते हैं, इस मिट्टी को ना इधर लेकर आएंगे और प्यारा सा अपना एक खेत बनाएंगे जिसमें हमारी मुख्तलिफ सब्जियां हों। लेकिन सिफ्तान ने बोला भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और मौसम भी नहीं है, फिर मैंने पता किया बाकी में मौसम नहीं था सब्जी उगाने का, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जब मौसम आएगा ना हम सब्जियां उगाएंगे। हाँ ये आ गई है। ओहो ये कैसी मोटर है सिफ्तान, ये जमीन के अंदर जाएगी, पाइप के अंदर सेट होगी ना? पता नहीं ऐसे ना भाई, पाइप के अंदर सेट होती है ना ये। तो यार हमारी ये मोटर भी आ चुकी है जो कि इसके अंदर जाएगी। अभी तो यहाँ पर खुदाई जारी है यार, पता नहीं कब तक काम खत्म होता है। हट जाओ भी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, देखा नहीं सिटैन, इनको रास्ता दे दो भाई, आराम से चले जाओ आराम से। कभी हम डक के बच्चे नहीं देख पाए यार, गई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूचू की आवाजें तो नहीं आ रही। क्या यार क्रैक क्रैक है, कोई चेक करो यार, मारती है अब तुझे? हाँ मेरे नहीं मारती थी। चलो चलो रख रहा हूँ, नहीं है बच्चे नहीं है। ओके बाय। हमने कौन से खाने हैं तुम्हारे अंडे, देख ही लग रहा है जब ये मुझे मार रही है ना। अच्छा मैं भी साज फिर वहां पर एक कबूतर ना 5 अंडों को इंक्यूबेट कर रहा है और इधर मैंने अभी भी देखा 2 अंडों को ना नई कबूतरी भी इंक्यूबेट कर रही है। यहाँ से नजर नहीं आ रही, मैं अंदर नहीं जा रहा क्योंकि अंदर जाते ना बिखर जाते सारे, उड़ने लग जाते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं। तो अभी मैंने देख लिया, इधर भी खुशखबरी आने वाली है और उधर भी आने वाली है। हाँ भाई तुम कब निकालोगे बच्चे अपने, इसके निकले तो नहीं हुए सिटैन, चू चू मू चू है तो बताओ। हाँ निकला हुआ है। अच्छा दब गया है क्या, किसकी चीज़? कोई और चीज का लग रहा था। हटो जरा हटो जरा चेक करें सिटैन, मुर्गी का है यार, मैंने सोचा डक का है। ये देखो कोई और ही कलर है यार इसका, तो देख रहे हो ब्राउनिश है। और देखो और कौन सा, और चेक करते हैं, और निकले हुए होंगे यार मेरे ख्याल में, एक निकला है तो बाकी और भी होंगे। नहीं है सिर्फ, नहीं है सिर्फ एक ही था। हाँ निकालेंगे। चलो भाई गर्मी कितनी है बहुत ज्यादा। हाँ भाई क्यूट चिक कैसे हो, चलो सिटैन को मिंजू में लेके चलते हैं। क्यों मार रहे हैं वहाँ पे? मैं बताऊँ क्या मसला हो सकता है इसके साथ, हमने अंडे तरतीब के साथ नहीं रखे थे। हाँ कोई पुराने अंडे थे कोई नए अंडे थे। क्यों पुराने कहाँ से आए थे हमारे पास, मुर्गियाँ यहाँ पर दे रही थी आके बैठ गई थी ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ इसको हम कर देते हैं अलग। ठीक है जो निकलता जाएगा उसको अलग मिनीजू में लेके जाएंगे, सही है ना? हाँ आज इसको उठाओ यार, इस बच्चे को उठाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि अगर हम इसको ना उठाते तो हमारी टर्की बर्ड भी उन अंडों को छोड़ के चली जाती, क्योंकि अंडों की तरतीब नहीं बनी हुई थी ना, कोई पुराना था कोई नया था, और ये बच्चा भी मर सकता था ना। तो सिद्धांत इसको उठाओ, चलो चल काश आज इनके बीच में रख दो। सर उनका बच्चा तो नहीं है, दोनों को नहीं कलर में तो वैसे ही लग रहा है, मारना नहीं इसको। चलो चलो बंद कर दो। तो ये है दोस्तों हमारा नया चिप, यहाँ पर ही रहेगा। तो गर्मियों का दोस्तों एक फ़ायदा ये हुआ कि हीट की वजह से इनको इंक्यूबेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ये यहाँ पर आराम से रह लेगा। हाँ भाई ऐश क्यों ना, तुम दोनों के भाई मज़े हैं, ठंडी ठंडी हवा में बैठे हो कूलर के सामने, सुकून में बैठे हो, बाहर निकलो तो पता चले। चलो तुम यहाँ पर बैठे रहो सही है, शाम को उधर तुम्हें बंद कर देंगे, अभी गर्मी है। ओके बाय। ये देख रहे हो सकता है कुछ समझ आ रही है? मैं तो समझाता हूँ यार, ये बन रही है हमारी फ्रेम जो कि इस छत पर बिछाई जाएगी और इस फ्रेम के अंदर इस पत्तल की एडजस्टमेंट होगी। ये फिर भाई ही बताएंगे क्या क्या करना है कैसे कैसे करना है, हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे सुबह बता दिया था कि पहले फ्रेम बनेगी फिर ये तिनके वगैरह पत्तल वगैरह ना इसके ऊपर बिछाई जाएगी, इस फ्रेम के ऊपर फिर एडजस्टमेंट होगी, सिर्फ ऐसे नहीं होगी। हाँ क्या हुआ? गुड न्यूज किधर है? दिखाओ भाई। जिंदा है ये,
ये तो नकली लग रही है, नकली है राम है ना, ये नकली जेली फिशेज है यार, ये देखो ये अभी मैं लेके आया हूँ और मुझे तो यार बहुत अच्छी लगी और भाई ने बोला इसको आप फाउंटेन में आराम से डाल सकते हैं और ये तैरते भी हैं पानी में। एक्वेरियम 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 ये देखिए ब्लू कलर की है जेली फिश, ये दिखाओ मुझे दिखाओ, ये पकड़ो और ये है पर्पल सतैन। सही है, कैसे हैं यार, अच्छी तो है लेकिन इसको छोड़ेंगे तो पता चलेगा ना किस तरह ये रखी है। चलो इसको छोड़ते हैं अपने एक्वेरियम में। सही चाचू दिखाओ ओके, और तीसरी भी दिखाओ मुझे। हाँ चलो, ये भी ऐसे है, प्यारी है ना, तेरा भी थोड़ा सा सेटिंग घर इनको ना वहाँ पर फिक्स करने की एक्वेरियम में, तो यहाँ पर पेस्ट वगैरह लगाना ताकि वजन से है इधर उधर ना जाए एक ही जगह पर रहे, तो ये बना रहे हैं भाई। चलो हाँ, ये क्या डांस नहीं एक्सरसाइज। इनके काम देखें राम, एक ऊपर बैठा है दूसरा घूम रहा है पूरी बैठक में। ओए भाई तुम नीचे क्या कर रहे हो, ये तो ऊपर बैठा है, आ जाओ मेरे पास, सोफा खराब कर लोगे, आ जाओ। शाबाश, कौन से हो तुम, मेल हो फीमेल हो? मेल हो यार। ये पता नहीं क्या, एक तो चीखता बहुत है, ये ऊपर से नीचे चला जाता है, आपस में लड़ाई करते हैं ना। चलो ऐसे सीढ़ी पे बिठाता हूँ तो मैं खुद ऊपर चले जाऊँ। चलो शाबाश शाबाश, आराम से बैठो, माफी कान फाड़ देता है यार। चलो आ जाओ, तो चुप कराओ। चलो चलो, पहले तो हम इसको डालते हैं ग्रीन वाले को, और ये तो गया भाई अंदर। यार कुछ चिपकाना भी तो है ना, चिपकाना भी तो है ना, बस ये तैरने लग जाए ना मजा ही आ जाएगा। पर हमारी वाली मछलियां उसके पाँव को खा रही है, उसमें कुछ खाने को आई है, ये नहीं खाओ प्लास्टिक है ये। तो हमने एक जेली फिश को ना यहाँ पर छोड़ दिया है, अभी बाकी तो आप अंदर पीछे से डाल रहे हैं। चलो छोड़ दो इसको भी, सीधी 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 छोड़ो, बस एवं छोड़ दो। हाँ ठीक है, हाँ तीसरी छोड़ो, ये आ गई तीसरी जेली फिश भी आ गई, क्या बात है, चल गया चल गया चल गया चल गया, शाबाश यार। हमारे दोनों फिल्टर चल चुके हैं और ये वाली जेली फिश तो बहुत ही मजे से घूम रही है और हमें बिल्कुल नहीं फील हो रहा कि ये नकल है, और यहाँ पर जो ठहरी हुई है ना यहाँ पर ना प्रेशर नहीं पड़ रहा फिल्टर का, इधर से आएगी अब देखना भी होगा। हाँ ये भी हिल रही है यार, ऐसे ही होती है जेली फिश, ऐसा ऐसा हिलती है, तो बहुत प्यारी लग रही है यार माशाल्लाह। हम समझ रहे थे कि हमारी मोरनी ने ना अंडे देना रोक दिए हैं, लेकिन आज सितन देखे उस कोने में ना अंडा था यार, इधर अंडा दिया हुआ था यार मोरनी ने, इधर कहाँ गया भाई ने उठा लिया, कौन से भाई ने? अच्छा अच्छा मैं पूछता हूँ वो मोरनी का अंडा कहाँ रखा है आपने, अंडों के अंदर रखा है? अच्छा अच्छा सही है। तो यहाँ पर भाई बता रहे थे यार कि अंडा यहाँ पर रखा हुआ है और भाई ने काफी ज्यादा इकट्ठे किए हैं, ये है मोरनी का भाई। चलो और ये टर्की बर्ड का लग रहा है मुझे, हाँ जी टर्की बर्ड ने मतलब देना शुरू कर दिया काली वाली ने। चलो ये उठाओ ना मोरनी का उठा लो, बाकी यहाँ पर रखे रहे, सही है आ जाओ। यार सुबह से शाम हो गई है और भाई लोग ना अभी तक भी लगे हुए हैं, आपको पता है तो मैंने कहा ये लंबा प्रोसेस है तो कल शायद खत्म हो जाए इंशाल्लाह, बहुत मेहनत लगती है यार इस काम में। उड़ा रहे हो ये, अभी सही नहीं उड़ पाता यार, फिर चेक किया है कि कितना ये अच्छी फ्लाई कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। चलो प्रॉपर फ्लाई करना शुरू कर देगा ना इसको, हम उड़ा देंगे इसको आजाद कर देंगे। कोशिश की यहाँ पर इसने मुझे काटा भी है, जाहिर है भाई हमारा ही गलत नहीं है दूसरे वाला, वो तो कुछ भी नहीं करता हमें, ये नया है ना इसलिए। तो यार रात हो चुकी है अभी, हम आए हैं टर्की बर्ड के पास और देखते हैं कि इसे कोई और चूजा निकाला हुआ है या सिर्फ एक ही निकला था। चलो भाई टर्की बर्ड जरा तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो माफ करना, सही है चूजा है कोई कोई भी नहीं है सिपी, अभी कुछ भी नहीं है सिपी, चलो एडजस्ट करके आ जाओ। चलो सही है, देखते हैं यार सुबह तक भी निकल सकते हैं लेकिन कुछ पता नहीं ना, अरेंजमेंट नहीं है ना बोला तो है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आज हमने एक्वेरियम में फर्स्ट टाइम जेली फिशेज डाली है, लेकिन जेली फिशेज असल वाली नहीं है नकल वाली है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा नीचे चलो यार, चलो जब नीचे तो कहते ऊपर चलो, ऊपर तो नीचे चलो, ये देखा है ना मैंने सब ठीक है, आ जाओ नीचे चल रहे हैं और उधर वो भाई लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा, क्यों बोर हो गया तकरीबन कहते हैं, सुबह थोड़ा सा टाइम लगेगा 2-3 घंटे तो बुला रहे थे मुझे नहीं पता, और ऐसे खाना को भी बाहर बांध देते ना, टाइम हो गया उनको बाहर बांध, चलो।